नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ मऊ जनपद में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सुबह करीब 8 बजे से परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान उनके जूते, बेल्ट सहित मोबाइल और अन्य चीजों को भी बाहर निकलवा के रखवा दिया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सभी परीक्षार्थियों की कड़ी तलाशी ली, उनके प्रवेश पत्र को सघन तरीके से जांच किया, साथ ही साथ मिलान के बाद उन्हें प्रवेश परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी। इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस अब पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, साथ ही साथ शहर कोतवाल द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में डॉग स्क्वाड द्वारा परीक्षा के पूर्व तलाशी अभियान चलाया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। इस दौरान पूरे दिन शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु सहित SP ललित कुमार सिंह चक्रमण पर रहे। आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।